जय हिंद, हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और ख़ास करके जितने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तमाम विद्यार्थियों के लिए आज हम एक पुस्तक लेके आए हैं, एक बुक लेके आए हैं। एक ऐसा बुक जो कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मन में दुविधा हैं, कोई चीज़ को लेकर प्रश्न है, ख़ास करके यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए और उससे संबंधित, तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर इस एक पुस्तक में जो है आपको मिलेगा। और ख़ास करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, ठीक है, इसकी क्या रूपरेखा होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने स्टेज होते हैं, क्या एज लिमिटेशंस होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और फिर साक्षात्कार और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कैसे बल देना चाहिए, इन तमाम जो है प्रश्नों का हल आपको हम एक पुस्तक आज दिखाने जा रहे हैं। इसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में जो है ये बुक उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम तमाम ऐसे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं, जिनका माध्यम अंग्रेजी है, उनके लिए ये बुक है, ठीक है। ये बुक है डॉक्टर विजय अग्रवाल की, हाउ टू बिकम एन आईएएस, ठीक है। डॉक्टर विजय अग्रवाल एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इस पुस्तक में आपको जो है कह सकते हो ना कि इनकी एक वेबसाइट भी है, www.afeias.com। ये बुक जो है आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप जाके जो है ई कार्ड पे जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो वेबसाइट है afeias.com, इसमें आपको डेली ऑडियो लेक्चर भी मिलेंगे। डॉक्टर विजय अग्रवाल खुद जो है आकर करंट अफेयर से संबंधित और कुछ मोटिवेशनल जो है लेक्चर्स भी मिलते हैं। न्यूज़पेपर क्लिप का जो है डिस्कशन होता है और क्लिप भी अवेलेबल रहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ है, आयर न्यूज़ है और बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह इनके AFEIS वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन हम यहाँ इस बुक्स की अगर बात करें, ठीक है, डॉक्टर विजय अग्रवाल के द्वारा ये मतलब लिखा गया है, ठीक है, रिटायर्ड आईएएस रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला देखो, इसमें लगभग 20 ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे हाउ व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू बिकम एन आईएएस, इसी प्रकार अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम, व्हाट इज यूपीएससी लुकिंग फॉर इन यू, ठीक है, रोड मैप टू आईएएस सक्सेस, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सिविल सर्विसेज, हाउ टू डील विद द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, ठीक है, और इसी प्रकार कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, ठीक है, आंसर राइटिंग की तकनीक क्या होनी चाहिए, ठीक है, द टेक्निक ऑफ राइटिंग इम्प्रेसिव आंसर्स एंड फेसिंग द इंटरव्यू बोर्ड्स एंड बेनिफिट ऑफ आईएएस प्रिपरेशन। तो ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। इसी प्रकार जो है यह बुक हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। तो जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, क्योंकि ऑथर दोनों एक ही हैं, ये दोनों बुक एक ही ऑथर के द्वारा लिखा गया, फ़र्क ये है कि ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, तो आप आईएएस कैसे बने ये हिंदी में आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें जो है आपको दिया जाएगा क्यों किया आईएएस बनने का फैसला, पहला ही अध्याय में आपको इससे रूबरू होना पड़ेगा कि आखिर आपने यह निर्णय क्यों लिया। फिर क्या ढूंढता है यूपीएससी आप में, परीक्षा संबंधित कुछ धारणाओं की सच्चाई, सिविल सर्विसेज की कुछ जरूरी बातें, ऑप्शनल पेपर का चयन, हाउ टू सेलेक्ट, ठीक है, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसके बारे में, प्रारंभिक परीक्षा, वही प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी, एसी की तैयारी, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस है। जितना चैप्टर उसमें है 20 चैप्टर, इसमें 20 चैप्टर, दोनों बुक एक ही है, ठीक है, बस आपको ये हिंदी में उपलब्ध है और वो इंग्लिश में उपलब्ध है। ये पुस्तक आप एक बार जरूर पढ़ें, ठीक है। तो जितने भी यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन और यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, आप जो हैं कि जितने भी क्वेरीज हैं इसे सॉर्ट आउट और उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है। और फिर जो है इनकी जो है वेबसाइट है ना AFEIS, वहाँ जाकर आप ऑडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं। इनकी हमें बोली बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही कहते हैं कर्णप्रिय लगती है, मृदुभाषी है ये, मतलब ऐसे इस प्रकार से समझाने का तरीका मतलब अद्भुत है। तो ये खुद अपने आप में एक कह सकते हो ना कि रिटायर्ड आईएएस रह चुके हैं, तो इनकी अपनी एक कह सकते हो ना कि बात में भी वजन होता है और एक गहराई भी छुपी होती है, डेप्थ होता है, क्योंकि इन्होंने इस रास्ते से अपने आप को गुजारा है, एक लंबा अनुभव है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कहेंगे कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें बिफोर डिसाइडिंग दैट व्हाई आई शुड बिकम एन
आईएएस एंड एक पर एक प्रकार से कहते कि इस एग्जामिनेशन में कूदने से पहले आपको इस बुक से इस परीक्षा की गहराई आप नाप सकते हैं। जय हिंद।